और वो शख्सियात जो दारुल फना से काज मकाम में चली गई हैं, उन तमाम की मगफरत और शफाहत में जनाब सैयदा की खातिर बाबा से बड़ा सलवात हुज्जत खुदा वकीयतुल्लाह इमाम असद मौला के ज़हूर के ताजील के लिए भी तफसल वा पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد سيد العرب والعجم والمكي جل مدني جل قيلا وفي شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صاحب التاج والمعراج والبراك والعين دافع البلاه والمباه والقحط والمرض والعلم اسمه مقدس معتار مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كعف الورى مصباح الظلم جليل الشيم والله عزمه وجبريل خاتمه والبراق مرقبه وأحمد المصطفى صلوات الله وعلى سيد الرضي الباني الولي الحاكم بنصر الجليل زرد عين افضل من عباد اما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر اپنی اپنی حاجات کی شرف قبولیت کے لیے بانیان مجلس کے تکمیل مقاصد کے لیے بابا سے بڑا صلوات پڑھا اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر بھی بابا سے توفیق اللہ لم یزل لا یزال یکون فضل الہی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء خدا کا فضل خدا کا کرم خدا کا لطف خدا کی توفیق ہمیں عطا ہوئی دنیا جب نیا سال آتا ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم جب نیا سال اسلامی جو تاریخ اور ڈیٹ آتی ہے ہم کالا لباس پہن کر اس امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین مولا کے
अजादार भी हैं, हुसैन मौला के मातमदार भी हैं। और थोड़ा सा आपने फिर लुत्फ फरमाना है और आप साथ देंगे तो क्योंकि मेरी जो अपनी हमारी खुशियात एक यूनी के साथ, एक जामिया के साथ, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, तो हमारा हमारी जो रबश होती है कि उसमें जब स्टूडेंट साथ बोले ना तो यानी उसमें समझ ये आती है कि मुमकिन है कि वगरना सभी तालिब इल्म हैं कि अभी स्टूडेंट तालिब इल्म मुतमईन नहीं हुआ। आप थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे इतना हो जाएगा कि आपको बात समझ आ रही है। और लुत्फ की बात यह है कि आपकी रगबत जो है कुरान की तरफ है, और हमारी रविश भी यही होती है कि जब भी कोई मजलिस होती है उसमें सबसे पहले तो हमने अपनी पास कुरान ही रखा होता है, और फिर आप आयत हमने जो इंतखाब की है ये भी इस दौर में एक बहुत बड़ी दुश्मन की साजिश है, तो उसके जहन में एक जहन को तैयार किया जा रहा है कि भाई ये जो इमाम वाली शख्सियात होती हैं ये माशाल्लाह मौला अमीर की विलायत के मुनकर होते हैं, तासुर ऐसा दिया जाता है अगर तवज्जो फरमाएं। और इसी वजह से फिर हमारी जो आने वाली नस्ल है तो वो जो हम जैसे तालिबे इल्म जो तुल्लाबे दीनिया होते हैं, बल्कि जो आज करो कि जिनके पास कोई डिग्री होती है वो उनसे दूर हो जाते हैं और उन लोगों का कुर्ब इख्तियार करते हैं कि जो बगैर सनद वाले होते हैं, अगर तवज्जो हो, जिनके पास कोई सनद नहीं होती है, बल्कि आसान करके उनके जो आपको सस्ती जन्नत दे देते हैं, समझ तो गली आसान जन्नत दे दी, आप दो नारे लगाएंगे तो पुलिस से रात पार हो जाए, ऐसी ऐसी बातें आप क्या मतलब खुमैनी अलैहि रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था, हमारे यहाँ मस्जिद के मेहराब का तकद्दस है, हमारे यहाँ मिंबर रसूल का तकद्दस नहीं है। और इसी जुमला जो किबला सफदर नजवी साहब उन्होंने ये फरमाया था कि हमारे यहाँ मस्जिद के मेहराब का तकद्दस है, मिंबर का नहीं है, उनके यहाँ मस्जिद के मेहराब का तकद्दस नहीं है, मिंबर का तकद्दस है। हमारे पहले सुंदर के जो बरादरान है वहां पे हर बंदा खतीब जुमा नहीं हो सकता, वो जुमा वो पढ़ाता है या जुमे का खुतबा वो देता है कि जिसके पास कोई डिग्री सनद हो। एक सवाल मेरे मोहम्मद के पहले में थोड़ा नाराज हो, थोड़ा कुर्ब में आ जाइए, ज्यादा आप हैं भी काम टाइम भी काफी ज्यादा हो गया तो आप दीवारें छोड़ेंगे, आपने एक जमाने में बुजुर्गों की जमान आप थोड़ा आप मेरे साथ बोलेंगे क्योंकि बोलना चाहिए मजलिस में आपने जो जिसका अकीदा और अमल सही होता वो तो कब्र पे भी जाके बोलता है, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे बोलेंगे साहब नहीं पता आप लोगों की क्या रविश है, लेकिन मैंने आपको सोने नहीं देना, आपको हमने जगा के रखना है जिसका अकीदा सही हो, अकीदा तौहीद पे सही हो, अकीदा नबूवत पे सही हो, अकीदा इमामत और हिदायत पे सही हो और अकीदा के साथ अमल भी हो, तो वो कब्र में भी जाता है, वो सुनता भी है, वो समझता भी है। थोड़ा हाथ लगाए सवाल पार करते, आपने ये कैसी बात कर ली, मैं आपका आपने बंदा मरता देखा, मरता नहीं देखा तो बंदे को कब्र में उतारता हुआ देखा, कोई रिवायत की बात नहीं करूंगा, जिम्मेदारी से बात करूंगा, लेकिन फजाइल पढ़ना भी कोई जुर्म नहीं है, फजाइल पढ़ने चाहिए। आप जे ऐसी ऐसी शख्सियात गुजरती है जैसे इब्राहिम अमीनी जैसी शख्सियत जिन्होंने 35 साल लगाकर अल गदीर जैसी किताब लिखी है, और आपको पता हो कि आप कैसी ऐसी शख्सियात और देखिए एक ऐसा मसला भी है कि जब हम जैसे लोग फजाइल नहीं पढ़ेंगे तो जो गैर जिम्मेदार लोग आके जिनके लिए
دجال کا نہیں پتا ہوتا, جن کو روایات کا نہیں پتا ہوتا, جن کو مستند روایت کا نہیں پتا ہوتا, جن کو قیاس کا نہیں پتا ہوتا, جن کو پتا نہیں ہے کہ تشیع کے قیاس حرام ہے, وہ لوگ آپ کے قیاسی کی خود کرتے ہیں, وہ لوگ آپ کی شرک کے نام کرتے ہیں, اور پھر مجموع سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور وہ آسان جنت دیتے ہیں. اس لیے عرض کرنا کہ ہماری ذمہ داری ہے فضائل بھی پڑھنا, اور ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ بھی کرنا, اور ہماری ذمہ داری ہے مسائل بھی, اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے خاموشی سے سننا, یہ توجہ سمجھا دیتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو حرکت دینا. اس لیے ہم نے جو موضوع رکھا, موضوع میں جو آیت پڑھی, اس آیت کو آیت ولایت کہا جاتا ہے. انما حرف مشبہ ہے, انما ما رسول, جب انما کے ساتھ ما آتا ہے اس کا عربی سے اردو میں جب ترجمہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں. ولی کو کون اللہ ہو, پہلا ولی کون ہے اللہ, پھر ہم یہ کہیں گے پہلا ولی اللہ سوائے اس کے نہیں, پہلا ولی کون اللہ, پھر کیا تھا ورسول ہو, واو جس کا انگلش میں اینڈ ہوتا ہے, اینڈ عربی میں واو اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور واو قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. واو کے کتنے مطالب ہیں, اسی لیے تو بات ہے کہ ہمارے یہاں کیوں کہا گیا تھا یہ جو قرآن ہوتا ہے ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں ہے, قرآن لہنے چلی لہنے سبھی تھوڑے بیچ کے لیے بھی بات بھی کروں گا کہ کوئی لہنے چلی سبھی کا خیال نہیں کیا جاتا, اگر لہنے خفی ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. لہنے چلی فرض کر ایک بندہ خا ہے, خا جو حلق سے نکلتا ہے اس خا کو وہ ہا پڑتا ہے کہ لہنے چلی ہے, اور لہنے چلی کرنے سے اس کو حرام غلطی کہا جاتا ہے اور اس سے قرآن کے سارے مطالب بدل جاتے ہیں. ایک آسان جیسے قال یقول ہم ہے, اس کے ایک امر جو بنتا ہے وہ قل, اب یہ قل جو ہے کہ قاف ہے, یہ قلقلے والا قل قاف, اور اس قل اس کا مطلب اس کے امر ہے, اور امر جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک انتا کی ضمیر ہوتی ہے توجہ فرمانے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے تو قل کہہ دیجیے, جب تک ہے نا, اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تو, اور اللہ کہہ آپ کہہ دیجیے, اور یہ قل جو قاف سے ہے, اور اسی قل کو اگر آپ کش والا قل پڑھیں, کش والا قل, ہم تو نماز میں بھی خیال نہیں کرتا پہ تو قل اللہ احد اللہ الصمد, اور اس قل کی دو مطلب ہے, قل کش والا قل جو صرف آپ سادہ پڑھتے ہیں قل, اس قل کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ, اور خیال نہیں کریں گے دیکھو آپ قل ہو اللہ احد تم کھاؤ وہ اللہ ہے. اب یہ کیا لہنے چلی, اور لہنے چلی حرام ہے, اس سے مطالب بدل جاتا ہے. تبھی اللہ کے رسول بحق علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صلوات ہے جو محمد ہو اہل بیت محمد, یہ قرآن عربی میں ہے, یہ قرآن کس میں ہے عربی میں ہے, اس کو سرائیکی کے لہجے میں نہیں پڑھنا, اس کو پٹواری کے لہجے میں نہیں پڑھنا, اس کو ہندو کے لہجے میں نہیں پڑھنا, اس کو عربوں کے لہجے میں پڑھنا ہے. اچھا تو یہاں کہیں گے قل جو حلق سے لے لیتے یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں مخرج, اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ, ساؤنڈ جو ہوتے ہیں, یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی رغبت پیدا ہو, جیسے کہ آپ کو سب پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور یہ خوشی کی بات ہے, لیکن اگر اس کام اس کو تھوڑا اور بہتر کریں تاکہ ہم اپنے مخارج بھی اس کر لیں, تاکہ ہم اپنے تلفظات بھی اس کر لیں, پھر ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بھی ترجمہ سنتے ہوئے بھی اور لطف آئے گا. اور یہ جو قرآن ہے برتنے میں قرآن ترتیلا, قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اچھا ٹھہر ٹھہر کے لوگ مطلب کیا لیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کا مطلب ہوتا ہے جی جس طرح کچھ ہماری خواتین کتب کے پڑھتے ہیں, کچھ اگلی اپنے ٹیون سے پڑھتے ہیں, یہ نہیں ہے ٹھہر 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 کا مطلب ہے قرآن کو عربی کے لہجے میں پڑھو. اس کو کس کے لہجے میں پڑھو, بہت آسان ہوں, اس ایک لفظ ہے نعبدو نون زبر عین نعب, اس کو کہا نعبدو کی نہ نے چلی ہے,
कितने लोगों ने देखा बड़े बड़े बड़ी बड़ी शख्सियात इसी 1300 है उसको अहले सिरा पढ़ते हैं। सिरा अल्लज़ीना ता तो है वो हर के है लेकिन जाती है बदलवा। इसलिए अरबी में जैसे इन्नमा इन्ना हर के मुशब्बह इसका मतलब होता है बेशक, मां के तो मतलब इसका बदल गया। अरबी एक ऐसी जबान है कि जिसमें अगर ज़ेर ज़बर की तब्दील होगी तो वो सारे मतालिब बदल जाएंगे। जब मतालिब बदल जाएंगे तो पढ़ना सवाब के बजाय आसान है। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक हर्फ पढ़ते हो तो एक हर्फ की कितनी नेकी है, 10। अपन अलीफ लाम मी तीन हर्फ पढ़े आपने, अपनी कितनी नेकी हुई, 30 हो गई ना। अगर इसी को अलीफ लाम मी पढ़े वो नेकियां नहीं है। अगर इसको आपने समझ के पढ़ा मखारिज को समझा फिर आपको पता चले अलीफ लाम मीम है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं तफसील पे राय करते हैं, काबिल तवज्जो बात है। कुछ लोग क्या कहते हैं अलीफ लाम मीम इसका मतलब थी माह अल्लाह के आले मोहम्मद जालिकल किताब, ये आले मोहम्मद वो किताब है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तफसील पे राय। अगर बोलेंगे तो मैं बात करूंगा। इसको क्या कहते हैं तफसील पे राय। अब हुए ये जो लोग पुरानी है जैसे अलीफ लाम मीम है काफ हा या ऐन सवाद है शा मीम है ऐन सीन काफ है, जिन तमाम हुरूफ को है कुरानी के हैं इनके मतलब या खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है या रसूल के बाद रसूल के नुमाइंदे जो दे रास्ते हैं वो जानती है। अगर इनका कुछ तर्जमा करता है इसको क्या कहते हैं तफसीर बिन राय। बड़ा छठे बड़ा से अगर आप कायदे मामिया देखें छठे बड़ा फरमाते हैं तफसील बिन राय करना मकतबे तशय्यो में मुतलकन हराम है। आपने समझा लिख रहा है क्या है मतलब आपने गलत मतलब क्या इसका मतलब कहीं ने जैसे लिखा ऐसे पढ़ा। गाली की किताब इसके तलफुजात में भी गौर किया और इसके तर्जमे पे भी गौर किया। आप जैसे आयत के बिलायत पढ़ी इन्ना मा वलियु कुल्ला आयत पे भी गौर किया, आयत के अल्फाज पे भी गौर किया, आयत के जो साउंड थे उनके पे भी गौर किया। और जब आप गौर और फिक्र करते हैं तो मैं नहीं कह रहा आप कुरान पढ़ो, कुरान आपको क्या कह रहा है अफला यतफक्करून। कुरान झूम झूम के न पढ़ना, कुरान पढ़ के तदब्बुर करना। अच्छा यानी तदब्बुर ही करना अफला यतफक्करून, कुरान पढ़ के तफक्कुर करना। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं पढ़ के तफक्कुर करते हैं तदब्बुर करते हैं जब तुम कुरान पढ़ के तफक्कुर करते हो तदब्बुर करते हो तो तुम्हारे नामे आमाल में 70 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। अगर आप गौर और फिक्र करते हैं वो तो अगर आप अल्लाह की चीजों में गौर और फिक्र करते हैं अपनी आंखों पे जिसको कुरान कहता है आई नहीं मैंने तुम्हें दो आंखें दी शफतैन मैंने तुम्हें दो होंठ दिए। आप तवज्जो फरमा रहे हैं कुफरान नेमत। ये कुफरान नेमत अक्सर
हमारी जो खवातीन होती हैं, सब नहीं, कुछ खवातीन होती हैं हमारी माए बहने, इनके अंदर ज्यादा होता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कोई छोटा मसला बन गया, बजाय इसके कि आपके मुलाजिम की रविश कहते मुलाजिम अमीर फरमाते हैं, मैं अली पे जब भी मुश्किल बनती थी मैं मस्जिद में जाके तोड़कर नमाज हाजिर पढ़ता था। और हमारे खवातीन क्या करती है, मुश्किल बनी मुसलसली पे जाया किसी खुराफाती इमाम के पास चलेगी, एक इलाही नाम होता है जो आपके 14 है, एक खुराफाती इमाम होता है, खुराफाती दीन के इमाम, खुराफाती दीन मनगढ़ंत दीन, बंदूक खबर है, ये किसी पीर के पास पहुंच जाती है, वो जो पीर बेचारा है उसको खुद कुछ नहीं पता, जो आपको कहता है एक तावीज से तुम्हें लंदन और दूसरे में कनाडा और तीसरे में फ्रांस, खुद बेचारा फुटपाथ पे बैठा है। अगर तवज्जो हो ये मर्दों के लिए बोला मीर की रवश का मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज के हाजिर और आओ जो मेरी माएं बहनें पढ़ने के बैठी हैं आपके लिए आपकी बीवी क्या फरमाते हैं, जिस बीवी की आपके बीते हैं बीवी फरमाते हैं मैं सजदा पे जब भी मुश्किल बनती थी मैं इस तस्बीह को पढ़ा करती थी 34 बार अल्लाह हू अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार तो बड़े बड़े बात मारिफत होना जो क्या कहा गया, मेरी आयत वही है, मैं कहीं और से किसी तरफ नहीं जा रहा, आयत वही है, आयत मेरा आयत है और उसके अगले साल मैंने बहुत इनके निशान फरमान और अरमान सुनाना है, लेकिन मेरी तमीज एक जुमले है जो इस तरह का मजमा भी नहीं और थोड़ा मैं आपके अपने साथ आशना कर दूँ आप आशना हो जो एक सब आते वहाँ को जले बैठे वहाँ ना बनती कहाँ जाती तस्वीर पढ़ती, लेकिन तस्वीर क्या है, एक हदीस है ना अव्वलुल इल्म मारिफतुल जफा, ये आप आए ना इल्म के लिए, इल्म आप किस लिए है, यकम वर्द से 10 दिन से 10 रातों का, ये सारी बातें आपने सुनी भी हैं, मैं रिवायती बातें नहीं करता, लेकिन कुरान इस अशे को बयान कर रहा है वल फजर वल लैल अशर वशब, इन 10 रातों की खुदा कसम खा रहा है और ये 10 रातों में क्यों आके बैठे, क्या रस्म है, बाप दादा बैठते थे, नहीं हम रस्मों के कायल नहीं हैं, आप क्यों आए, हम एक हदीस को काउंट करते हैं अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार, रसूलुल्लाह फरमाते हैं इल्म की इब्तिदा जब्बार की मारिफत है, जब्बार कौन है, अल्लाह कहार कौन है, अल्लाह रहमान कौन है, अल्लाह करीम कौन है, अजीम कौन है, वदूद कौन है, गफूर कौन है, तकबर रहीम कौन है, इसलिए आज कर रहा हूं कि आज बंदे कहते हैं कि तौहीद पढ़ो तो बंदे नाराज हो जाते हैं, तुम्हें समझ नहीं है जिस मौला अमीर की तुम विदायत 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 करते हो, वो मौला अमीर जो खतीबे सदूरी थे उनके कब्जे के मजमून को तौहीद खुदा का मौला अमीर कहे खतीबे सदूरी थी और उनके जो कब्जे का मजमून था ना उसको क्या कहा जाता है तौहीद। अच्छा बंदे कहे नहीं ये ऐसे है, अगर तुम समझना तुम्हें नहीं समझ आती तो अलग बात है, अगर कोई कहे नहीं तो उसको और जरा दुआएं तुम्हें पढ़ना, क्या तुम्हें रवश बताई मौला अमीर ने, तुम्हें मौला अमीर ने तरीका बताया कि बड़ा गुनाहगार है, अल्लाहुम्मा फिर ले उज़री, कुरान भी कहता है जब तुमने गुनाह किया गुनाह करके गुनाह तुमसे सरसर हो गया, तुम जब अपना रीजन पेश करते हो अपना उज़्र पेश करते हो वो खुदा तकब्बुर रहीम है, खुदा तुम्हें माफ फरमाएगा, यार किसी तकब्बुर रहीम नहीं है वो खुदा वदूद है तुमसे मोहब्बत रखने वाला है। अच्छा नहीं यार वदूद नहीं है वो खुदा तुम्हें और मुझे सुने इंतजार क्या है नंबर 6 में फरमा रहा है दुनिया धोखे की बनती है, ये दुनिया क्या है, खुदा तो कबूल रखी खुदा तो
और फिर खुदा खुद फरमाता है ला तकदू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस होना ये कुफ्र के जुमरे में चला जाता है। मेरी नेमत से भाई अब आए क्यों आए? अव्वल इल्म मारिफतुल जफा, क्यों मेरी माए बहने आए, क्यों पर्दे में आके बैठी आगे लाल हो आए? इसलिए अव्वल इल्म मारिफतुल जफा, इल्म की इब्तिदा जब्बार की मारिफत है। मारिफत का मतलब तशख़ीस, मारिफत का मतलब पहचान। अच्छा क्यों इल्म हासिल किया? ताकि लोग मुझे दीनदार कहें, ताकि लोग मुझे कहें कि ये बहुत ज्यादा सोचा हुआ बंदा है, बहुत ज्यादा नजरियाती बंदा है, लोग मेरी तारीफ करें। नहीं, आखिर तफ़वीज़ुन अम्रुन है। इल्म हासिल करके रसूल अल्लाह फरमाते हैं बाद के तमाम मामला बंदों के सुपुर्द न करना, खुदा के सुपुर्द करना। जिसको तवक्कुल अल्लाह कहा जाता है वो खुदा तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करेगा। इसका मतलब आप इसलिए आए मार्फत इदारी के लिए। और कुरान की जो आयत मिला है इसमें भी पहला वली है कौन? अल्लाह। दूसरा वली कौन? अल्लाह का रसूल। और तीसरा वली इसमें जो अल्लज़ीना अल्लज़ीना अल्लज़ी एक के लिए आता है सिला रसूल इसको कहा जाता है। और इसका जब अरबी से उर्दू में तर्जुमा होता है तो वो जो होता है अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए आता है, अल्लाह जाने दो के लिए आता है, और अल्लज़ीना सब के लिए आता है, अल्लाह की एक खातिम के लिए आता है, अल्लाह अल्लाह की अल्लाह वादी सब के लिए आता है। अल्लाह दी का फकीर है समझते हैं, जैसे आप सुनते हैं अल्लाह दी खालक अल्लाह कब्र लगी हां। तर्जमा क्या कहते हैं कि वो जो बाबा की कब्र में बैठी बैठ करती है। आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाह दी नाम अल्लाह, वो जो ईमान लाए और नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात दी, उस हस्ती को तीसरा वली कहा जाता है। अब इसी के कहते हैं कि भाई लाश है सब जुड़ा। हमने आयत की आयत विलायत और आयत विलायत में कितनी बातें हैं? तीन बातें हैं। तो जो फरमा रहा के लिए मैं तो होगा शाम करके तो मौला अभी इसे पूछा कि क्या होगा जब मौला ने फरमाया पूछो पूछो मैं समुद्रों के रास्तों से आसमानों के रास्ते बेहतर चाहता हूँ। मौला से पूछा क्या मौला मुमकिन है कि बंदा खुदा से बातें करे? कहा क्यों नहीं तुम खुदा से बातें कर सकते हो? कहा कैसे खुदा से बातें करें? कहा खुदा से बातें करना चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो। अच्छा कहते हैं और बता ना तकबीर के अल्लाह बड़ा आज उठ गया सबसे बड़ा अल्लाह है। फिर अल्लाह से बातें करके आप कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़े आराम से कहते हैं बनाम खुदा जो रहमान रहीम है। फिर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हमद सना उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। फिर आप कहते हैं रहमान निर्रहीम, जो रहमान है जो रहीम है। फिर आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत वाले दिन का मालिक है। फिर आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद चाहते हैं। फिर कहते हैं मदद क्या चाहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कर रहा। फिर कहते हैं कौन है सिरात मुस्तकीम? आप कहते हैं सिरात लदीना अनअमता। इसका मतलब आप अल्लाह से क्या करते हैं बातें? बंदे कहते हैं नमाज में खुशू तो नहीं आता, जब नमाज को समझोगे तो खुशू और खुशू आएगा ना, नहीं तो जो फर्क यहाँ पर। और फिर कहते हैं क्या बोलना मुमकिन है कि अल्लाह हमसे बातें करे? तो परवरदिगारा तू सबकी तौबा कबूल करता है जिसको है
एक इमाम था वो भी गैबत कबरा पे चला गया है, उसके बावजूद तेरी तौहीद पे भी ईमान है, रिसालत पे भी ईमान है, विलायत पे भी ईमान है। परवरदिगार क्या मुमकिन है कि तू हमसे बातें करे? क्या तू हमसे बातें कर सकता है? कहा मैं तो तुमसे बातें करता हूं, क्या मदद करना चाहते? नहीं तो मुझे फरमा लिया मोमन की अलामतों में से एक अलामत कम हज का वो 10 आयात की तिलावत जरूर कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा 40 आयात की। और जब आप तिलावत करते तो होता क्या है, जिस घर में तिलावत आ रहे हैं तो बच्चे को कुरान पढ़ा आमीन होगी, कारी साहब ने उनके नाम दे दिया, कपड़े दे दिए, बस ये कुरान पढ़ने। जबकि कुरान ये पढ़ रही है मैं किस बात का कायल हूं कि सिर्फ अपने वाजबात दुरुस्त करो, फातिहा दुरुस्त करो, सूरह तौहीद दुरुस्त करो, बाकी सूरते पूरा कुरान अगर तेरा खुदा नहीं दुरुस्त कर सकते छोड़ दो, तर्जमा पढ़ा करो। जब तुम तर्जमा पढ़ोगे तुम्हारा अकीदा तौहीद सही होगा, तुम्हारा अकीदा रिसालत सही होगा और तुम्हारा अकीदा हिदायत भी। ये जो कुछ हो रहा है कुरान से क्या है, दूर है, अहले बैत से क्या है, दूर है। अब क्या फरमाया कि तुम अगर जब 10 आयतें पढ़ते हो, बच्चे ने कुरान पढ़ा, मौलाना ने कुरान पढ़ा, उसको तो मुख्तसर सी इसको तफसील सिखाए, और जब बच्चा कुरान सीख रहा हो माँ बाप उस मौलाना सबके साथ बैठे, बच्चा इतना सीखे बड़े भी सीखे, अगर तो जो फरमाए तो फरमाया तो बड़ों बड़े बड़ों के किरात तजवीद नहीं है माजर के साथ। और इस पर आपको बता देंगे करोड़ों आप कह सकते हैं डॉलर्स लगते हैं कि जो शोबा ही शुरू किया हुआ है, दुनिया कहती थी तो कुरान पढ़ना नहीं आता। आज छोटे छोटे बच्चे आप देख लें, छोटे छोटे बच्चे सूरह रहमान पढ़ के रहमान वसन को वेलकम कर रहे होते हैं। पता चला ना ये कुरान वाले भी हैं और ये अहले बैत वाले भी हैं। अगर मैं यजीद ने बड़ी कोशिश की थी कुरान अहले बैत से जुदा कर रहा था और अहले बैत को कुरान से जुदा कर रहा था, और तेरे मजलूम इमाम ने मेरे पर कुरान की तिलावत करके बता दिया हम आज भी कुरान और अहले बैत के साथ हैं और हम हो से कोशिश इसी तरह पेश होंगे। जब आप 10 आयतें पढ़ते हैं समझ के पढ़ते हैं, छठे मौलाना ने फरमाया कि आर्श जैसे जमीन पे आप लोग हैं, आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, ऐसे आसमान से भी मखलूक आपको देखती है। कुछ घर होते हैं जिन घरों में नूर सादिर हो रहा होता है, और जब नूर सादिर होता है अब वो फरिश्ते रश्क करते हैं। शिफोन से घर है कि जिन घरों में जिन घरों से नूर निकल रहा है उस वाले के लम यजन ला यजा फरमाता है, ये वो लोग हैं कि जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है, इनके घरों में कुरान की। इसका मतलब है हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए, कुरान समझना भी चाहिए। आयत हमारी है आयत विलायत, और आयत विलायत के 3 हिस्से, पहला वली अल्लाह, दूसरा वली अल्लाह का रसूल, और तीसरा वली मौला अमीन जिन्होंने हालत रुहू में ज़कात दी, नमाज को भी कायम किया और हालत रुहू में ज़कात भी दी। और इसी के जरिए हमने आपकी खिदमत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की सबसे पहले शान सुनानी है, और शान के बाद हमने अहले बैत के फरमान सुनाने हैं, और फरमान के बाद हमने आपकी खिदमत आलिया में अरमान सुनाना है। बल्कि जो तो शान फरमान और अरमान, शान फरमान और अरमान, बल्कि इस आसान को शान की तरह शान हम कैसे करेंगे, शान हम ये भी कह सकते हैं हम आपको कुरान सुनाएंगे, फरमान सुनाएंगे और अरमान सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? अरमान सुनाएंगे। बरहाल ये कभी भी आयत विलायत हमने शुरू की, इसी के सहित इंशाल्लाह होंगे।
लड़की लड़ाई बात होगी नहीं, और जो भी कोशिश होगी कि आपके सामने फिर बदी उसको भी पेश की जाए। आज यकम मुहर्रम है, दो की रात होती है, आप फर्श अजा में तशरीफ फरमा हैं, एक सलवात जमा हैं।